नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस और ये बुक नंबर 2 है और चैप्टर नंबर भी 2 है जिसका नाम है स्वतंत्रता। आइए शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है और नोट्स तो है ही ये, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा कहता है स्वतंत्र आदर्श क्या है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्वतंत्रता के आदर्श से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में एक पुस्तक आया था। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयां और पुलिस अत्याचार के बारे में बात किया। देखिए, स्वतंत्रता में तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं आपको समझने के लिए, लेकिन उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा, एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग और काले लोगों के बीच में लड़ाइयां होती थी, रंग भेद को लेकर काले लोगों को नीचा समझा जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, पुलिस भी उनके साथ अत्याचार करती थी। कई प्रकार की कठिनाइयों का इसमें उन्होंने जिक्र किया है। ऑग सान सू ने अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखी। उसकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब भय से मुक्ति के बारे में था। तो स्वतंत्रता का आदर्श कहने का क्या मतलब है? देखिए, स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये हमारे भारत में भी है, और स्वतंत्रता जरूरी भी है क्योंकि बिना फ्रीडम के, बिना स्वतंत्रता के एक मनुष्य पशु के समान हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको समझा दूं कि जो नेल्सन मंडेला थे वो महानतम व्यक्ति कहने का मतलब ये है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के उन्हें कई सालों तक जेल में अपना जीवन गुजारना पड़ा था। यही वो लड़ाई थी वहां पे दक्षिण अफ्रीका में जो रंग को लेके था, काले और गोरे लोगों के बीच में, तो ये कई वर्षों तक चलता रहा। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि स्वतंत्रता क्या है। तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार का कोई अगर अंकुश ना हो बाहर का, तो वह व्यक्ति आजाद फील करता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो, वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके, स्वायत्त तरीकों से व्यवहार कर सके, तो व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। जैसे एक व्यक्ति की अगर हम बात कर ले, तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो, वह अपना फैसला ले सकता हो, वो किसी के दबाव में न हो, वो किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार करे, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। जिसमें लोग अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सके, अगर व्यक्ति आजाद होता है तो वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक कार्यों को करता है, इससे वो अपने आप को आजाद महसूस करता है, स्वतंत्र महसूस करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वराज्य एवं शासन। तो देखिए, स्वराज्य और शासन से हम क्या समझते हैं? तो भारत की राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज्य है। मतलब स्वतंत्रता और स्वराज दोनों में समान अर्थ निकलता है, समान मतलब है। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, मतलब खुद के द्वारा शासन किया जाना। स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है, मतलब कि खुद के द्वारा सरकार का चुनना और उस सरकार से खुद के ऊपर शासन करवाना ही स्वराज कहलाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में देखिए जो कहा जाता है कि जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का या मुगलों का, या जब राजतंत्र था, उस समय स्वराज नहीं कह सकते, क्योंकि स्वराज का मतलब हो गया कि हमने किसी जनप्रतिनिधि को चुना है और वो जनप्रतिनिधि ने सरकार का निर्माण किया और वो सरकार अब हमारे ऊपर शासन कर रहा है, तो ये हो गया स्वराज। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था, जिसे तिलक ने प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के बारे में बताया था। एक नंबर से यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, आप तिलक कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब आजादी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नारे से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रतिबंधों के स्रोत, मतलब कैसे लोगों को रोका जाता है, किन किन तरह से लोगों को रोका जाता है। तो
तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात आजादी की अगर बात कर लें तो वो बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अब हम अगर इमरजेंसी की बात कर लें, आपातकाल की बात कर लें, तो उसमें तो जबरदस्ती ही लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसे ही नियमों के अनुसार लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? अगर ये बात है कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों जरूरी है कि लोगों के ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया जाता है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध न हो, जहां पे सब कुछ आजाद हो। ऐसी दुनिया में रहना असंभव है। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत होती है। जैसे अन्याय समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अगर सभी को आजादी दे दिया जाए तो उन्हें जो मन होगा वही करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो इसमें अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो अगर आजादी पूर्ण रूप से दे दिया जाए, तो एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति किसी को मारने पीटने लगे तो वो तो आजादी सही नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है यदि संपूर्ण रूप से आजादी दे दी जाए तो वो समाज जो है वो हो सकता है कि अन्याय और अव्यवस्था के गर्त में चला जाए। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकते हैं, वो सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। मतलब अगर आजादी मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, तो लोगों का आपस में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आसपास के साधन, जो सीमित साधन है या संसाधन है, उनके लिए लड़ पड़ेंगे। इसलिए प्रतिबंध लगाना भी समाज में, देश में, राज्य में आवश्यक होता है। इस चैप्टर का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हानि का सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है। इसे आपको बड़े ध्यान से समझना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीकों से उठाया। देखिए, ये उनका बुक था, ये उनकी किताब का नाम है ऑन लिबर्टी, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा था। राजनीतिक सिद्धांतों के विमर्श में इसे हानि का सिद्धांत कहा जाता है। जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने जो ऑन लिबर्टी अपने बुक में जिन जिन तरीकों के बारे में बताया है, उसे हम हानि का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत क्या था? तो सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी समाज में रहने वाला लोग किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है या व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप उसमें होता है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा, मतलब खुद को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। समाज में रह रहे व्यक्ति में अगर किसी के खिलाफ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, तो इस औचित्यपूर्ण प्रयोग करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को किसी न किसी गड़बड़ी या किसी न किसी समस्या से बचाना होता है, या फिर उसके बचाने के लिए ही फिर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मिलने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने में रखा। मिलने स्वयं संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताया है। मतलब स्वयं से संबंधित कार्य और दूसरों से संबंधित कार्य के बीच में अंतर बताया है। स्वयं संबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। मतलब कुछ ऐसा काम होता है ना समाज में जो आप अपने लिए करते हैं और उससे कुछ नुकसान भी होता है तो आपको ही होता है, तो ये हमारा स्व संबंध हो गया, मतलब वो मुझसे संबंधित है। लेकिन अगर पर संबंध की बात कर लें तो ऐसा काम जो आपने तो कर दिया लेकिन उसका खामियाजा पूरा समाज, पूरा देश, पूरा गाँव भुगत रहा है, इसे हम पर संबंध कार्य कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैटर अगर किसी राज्य या देश का हो तो उसमें बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो स्वयं संबंध कार्य हुए हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि यह मेरा काम है, यह मेरा देश है, यह मेरा राज्य है और मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा। एक परिवार को यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्यों के बीच में क्या फैसला लिया जाएगा, ये इन 5ों का डिसीजन होगा। इससे इसके परिवार के लिए अच्छा होगा या परिवार के लिए बुरा होगा, इसमें कोई बाहरी परिवार का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह इसका परिवार है और इसे कैसे फैसले करने हैं यह इस पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य हुए हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कोई नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि वो मुझे इन नुकसानों से
बचा है। जैसे कि अब समाज में मान लीजिए मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है, सड़क बना हुआ है सड़क को तोड़ दूं, तो वो अकेला मेरा पर्सनल नुकसान तो नहीं है ना, उससे पूरे समाज को नुकसान है। तो ऐसे में उन्हें बचाने के लिए बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करती है। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को भी नुकसान पहुंचाता है। पुलिस वाले या फिर सरकार हमें ऐसे काम नहीं करने देंगे जो हमें छोड़कर पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसे कार्य के लिए हमें रोका जा सकता है। तो हम बात कर लेते हैं सकारात्मक स्वतंत्र और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अगर से बात कर ली जाए स्वतंत्रता के बारे में, तो दो प्रकार से बताया गया है, पहला है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलग्नीय हो, जिसमें वह जो होना बनना या करना चाहे हो सके, बन सके, कर सके, ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए नकारात्मक स्वतंत्रता आपके पर्सनल चीजों को लेके है जिसमें आप समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर अच्छा हो रहा है तो आपके लिए हो रहा है, बुरा हो रहा है तो आपके लिए हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक टीवी खरीद के लाया अपने परिवार के लिए, टीवी चलेगा तो वो मेरे परिवार ही तो देखेंगे, अगर नहीं चलेगा तो मेरे परिवार का नुकसान है। तो इससे आप नकारात्मक स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा जो है वो व्यक्ति को ऐसे दायरे में बांध रखे रखती है या बात कहती है जो अनुलग्नीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके, मतलब पर्सनली उस व्यक्ति के विचारधाराओं को व्यक्त किया जाता है, न कि पूरे समाज और पूरे देश को। उसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद घोष और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले लोगों को देखा जा सकता है। इस परंपरा को सारोकार करने वाले व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। उस समाज में रह रहे व्यक्ति इस तरह के स्वतंत्रता को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उनकी प्रकृति और उस स्थिति में वो समाज होता है। यह परंपरा इन संबंधों की तरह और लोगों को सुधारना चाहती है या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे, इसके लिए हम नकारात्मक स्वतंत्रता जैसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। यह एक व्यक्ति जो है या समाज में रहने वाला कोई भी इंसान है, वह पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ होती है, सूरज की रोशनी होती है, पर्याप्त पानी होता है, नियमित देखभाल होता है, तब वह खिल जाता है। ऐसे ही समाज में रहने के बाद एक व्यक्ति के लिए समाज का जो वातावरण होता है वह उसके लिए इसी तरह से उपजाऊ मिट्टी, रोशनी और पानी की तरह काम करता है, जिससे वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक शक्तियों का लाभ मिलना ही चाहिए, ताकि वो इसी पुष्प की तरह खुद को खिला सके और समाज में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 पोर्टल साइंस राजनीतिक सिद्धांत बुक 2 और चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम था स्वतंत्रता, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।